हेलो एवरीवन, मैं हूँ रवीना और आपका बहुत वेलकम है माय हॉबीज़ वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है वो मेरे चैनल का फर्स्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे चैनल के एक व्यूवर है और मे बी सब्सक्राइबर भी, रमेश सिंह जी नाम है उनका, और उनकी ओर से कुछ दिनों पहले मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी और उन्हीं के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। तो क्या है वो रिक्वेस्ट और क्या है आज की वीडियो का टॉपिक, चलिए आपको बताती हूँ। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो नाइटिंग से रिलेटेड है। कुछ दिनों पहले YouTube शॉर्ट्स पर मैंने दो डोरमेट डिज़ाइन की वीडियो डाली हुई थी और वो डिज़ाइन थी मछलियों वाली। एक जो डिज़ाइन थी वो मैंने दो कलर में बनाया हुआ था, मछलियाँ मैंने ब्लू कलर से बनाई थी और जो उसका बाहर का बैकग्राउंड था वो बेबी पिंक कलर का था। और एक और मैंने डोरमेट डिज़ाइन का वीडियो डाला हुआ था, उसमें मल्टी कलर में मैंने मछलियों को बनाया हुआ था। तो उन्हीं वीडियोस को देखने के बाद उनकी ओर से मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं उस डिज़ाइन को बताऊँ। तो आज हम उसी डोरमेट डिज़ाइन को बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यही है वो डोरमेट की डिज़ाइन जो आज हम बनाने वाले हैं। जो यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने डोरमेट डाला हुआ था वो फिलहाल अवेलेबल नहीं था और आपको अच्छी तरह से मैं समझा पाऊँ इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए तीन मछलियों को बनाकर रेडी कर लिया है। हमें सबसे पहले फंदे डालने हैं और फंदे हमें कैसे डालने हैं इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये जो मैंने डोरमेट की डिज़ाइन डाली हुई है वो मैंने 40 फंदों में बनाई हुई है। तो देखिए, सबसे पहले हमें 40 फंदे डालने हैं और उसके बाद तीन सलाइयाँ निकालनी है। तो इस तरह से हमारी दो रो बन के कम्प्लीट हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फंदे डाले थे और तीन सलाइयाँ निकाली थी, तो यहाँ पर दो रो बन के हमारी कम्प्लीट होगी। ये बैकग्राउंड, ये जो मैं बैकग्राउंड बना रही हूँ ये गोल्डन कलर का बना रही हूँ। तो जो भी आपको बैकग्राउंड रखना है उस कलर से आपको फंदे डालने हैं और तीन सलाइयाँ निकाल लेनी है और उसके बाद हमें अपनी डिज़ाइन की स्टार्टिंग करनी है। तो देखिए, ये जो मेरी तीसरी मछली की डिज़ाइन है वो कम्प्लीट हो चुकी है और यहाँ पर मैंने चार सलाइयाँ निकाल ली है। तो अब हम यहाँ से अपने जो डोरमेट की जो चौथी मछली है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो पहला फंदा है इसे हम बिना बुने ही उतार लेंगे और यहाँ से ये फंदे को लेकर हमें 26 फंदे इसी गोल्डन कलर से बुन लेना है। और उसके बाद ये देखिए, दूसरी सलाई में मेरे पास 14 फंदे रह गए हैं। अब इन 14 फंदों में से 12 फंदों को हमें मछली के कलर वाले धागे से बुनना है। तो ये देखिए, यहाँ पर दूसरा कलर में ये ब्लू कलर लगा रही हूँ। तो ये देखिए, 12 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर हमारे गोल्डन के दो फंदे रह गए हैं, इसे हम नहीं बुनेंगे, इसी तरह से छोड़ देंगे और यहीं से हम सलाई को पलट लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से धागे को हम आगे ले लेंगे और यहाँ पर हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ब्लू कलर के फंदे को हम ब्लू से बुन लेंगे और यहाँ पर धागा क्रॉस करवा देंगे और यहाँ पर ये जो गोल्डन कलर के धागे हैं उसे हम गोल्डन कलर से बुन के ये जो हमारे बॉर्डर है यहाँ पर जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर पर आ चुकी हूँ। अब सिलाई में देखिए, मेरे पास यहाँ पर 26 फंदे गोल्डन के हैं, यहाँ पर 12 फंदे ब्लू के हैं और यहाँ पर सेंटर में दो फंदे गोल्डन के हैं। तो अब हम जब बुनाई करेंगे तो 24 फंदों को ही बुनेंगे और ये जो गोल्डन के दो फंदे हैं यहाँ पर उन्हें हम ब्लू से बदल देंगे। तो ये जो पहला फंदा है उसे हम बिना बुने ही उतार लेंगे और यहाँ से बुनाई करते हुए हम सेंटर की तरफ जाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 24 फंदे गोल्डन के बुन लिए हैं। अब ये जो दो गोल्डन के फंदे हैं इसे हम अब ब्लू कलर से बुनेंगे। तो इसे हम इस तरह से, अब यहाँ से पूरे ब्लू के फंदे को हम ब्लू से बुनेंगे और यहाँ पर ये देखिए दो फंदे हम छोड़ देंगे सेंटर में। अब हम यहाँ से सलाई को पलट लेंगे और इस धागे को आगे लेकर यहाँ से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखिए, ये ब्लू के फंदों को ब्लू से बुन लेंगे और फिर धागा क्रॉस करके गोल्डन के फंदों को गोल्डन से बुन लेंगे और फिर अपने बॉर्डर पर जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बुनाई कम्प्लीट कर ली है और मैं अपने बॉर्डर पर आ चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास सिलाई में 22 फंदे हैं गोल्डन के। तो जब अब हम बुनाई करेंगे तो यहाँ से हम 20 फंदों को ही बुनेंगे और यहाँ पर जो बीच में गोल्डन के दो फंदे हैं इसे मैं ये ब्लू कलर से बुनूंगी।
और यहाँ से फिर ब्लू के फंदे को ब्लू से बुनेंगे और सेंटर में दो फंदे और छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें हर बार दो दो फंदों को ऊपर की तरफ बढ़ाना है और दो दो फंदों को यहाँ पर सेंटर में छोड़ते जाना है। तो ऐसा हमें तब तक करना है जब तक हमारे पास ये ब्लू के 20 फंदे नहीं हो जाते और यहाँ पर गोल्डन के 18 फंदे नहीं रह जाते। तो इतना मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 यहाँ पर मेरे ब्लू के 18 फंदे हो चुके हैं और ये आखिर के मैं दो फंदे और यहाँ पर मैं ब्लू के बुनूंगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे टोटल 20 फंदे हो चुके हैं ब्लू के। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर तीन बार में फंदों को छोड़ा था और ये दो फंदे और मैं ब्लू के छोड़ दूंगी और यहाँ तक मैं अपनी बुनाई को कंप्लीट करूँगी। हमने स्टार्टिंग की थी 12 फंदों से, हमने 12 फंदे बुने, फिर यहाँ पर दो फंदे बढ़ाए, दो फंदे सेंटर में छोड़ दिए, फिर हमने दो फंदे बढ़ाए, फिर हमने यहाँ पर सेंटर में दो फंदे छोड़ दिए, फिर हमने दो फंदे बढ़ाए, फिर यहाँ पर सेंटर में दो फंदे छोड़ दिए और फिर हमने यहाँ पर देखिए दो फंदे बढ़ाए और फिर यहाँ पर सेंटर में छोड़ दिए। तो इस तरह से हमने दो दो करके चार बार फंदों को बढ़ाया है और दो दो करके हमने चार बार फंदों को यहाँ पर सेंटर में छोड़ा है। तो अब हम यहाँ पर देखिए सलाई को पलट लेंगे, धागे को आगे ले लेंगे सलाइयों के बीच में से और यहाँ से ब्लू के फंदों को ब्लू से बुनेंगे और यहाँ पर गोल्डन के फंदों को गोल्डन से बुन के अपनी बॉर्डर पर जाएंगे। तो ये जो पहला फंदा है इसे यहीं से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको इतना बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ और बॉर्डर पर पहुँचती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। हम अपने बॉर्डर पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने ये जो मछली है उसकी बॉडी का हाफ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ पर उसकी पूंछ को बनाएंगे। तो ये जो धागा है इसे हम यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर यहाँ पर इसे कट कर लेंगे हम। और यहाँ पर देखिए ये जो गोल्डन कलर के हमारे पास 18 फंदे हैं तो 18 फंदों में से ये जो दो फंदे हैं इसे हम देखिए गोल्डन से ही बुनेंगे। तो ये जो पहला फंदा है उसे हम इसी तरह से उतार लेंगे और दूसरे फंदे को हम बुन लेंगे। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हम 14 फंदे हम ये ब्लू कलर से बुनेंगे मछली की पूंछ बनाने के लिए और सेंटर में ये दो गोल्डन के फंदों को हम ऐसे ही रहने देंगे। ये देखिए ये जो दो फंदे हैं इसी तरह से छोड़ देंगे और यहीं से सलाई को पलट लेंगे और इस धागे को आगे ले लेंगे सलाइयों के बीच से और यहाँ से बुनाई करते हुए फिर हम अपनी बॉर्डर पर जाएंगे। अब देखिए अब हम यहाँ से ये जो पहला फंदा है इसे इसी तरह से उतार लेंगे। और इस फंदे को हम बुन लेंगे और यहाँ से फिर से ये ब्लू कलर का फंदा हम गोल्डन से बुन लेंगे। देखिए पहले हमारे पास दो फंदे थे गोल्डन के, अब हमारे पास तीन फंदे हो गए। अब हम यहाँ से जब बुनाई करेंगे तो इस बार हम 13 फंदे बुनेंगे और ये जो ब्लू कलर का ये एक फंदा है इसे हम छोड़ देंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम अपनी सिलाई को पलट लेंगे और धागे को आगे लेकर फिर से बुनाई करते हुए अपनी बॉर्डर पर जाएंगे। अब देखिए फिर से हम ये जो पहला फंदा है इसे उतार लेंगे और इन दोनों फंदों को बुनेंगे। और इसके आगे ये जो ब्लू कलर का एक फंदा है इसे भी हम गोल्डन से बुन लेंगे। तो देखिए अब फिर हम इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। तो पिछली बार हमने 13 फंदे बुने थे, अब हम 12 फंदे ही बुनेंगे और ये सेंटर में एक और फंदा छोड़ देंगे। तो हर बार हमें एक एक फंदा ये ऊपर का गोल्डन कलर से नीचे की तरफ लाना है और यहाँ पर सेंटर में एक एक फंदा हमें छोड़ते जाना है। तो ऐसा हमें तब तक करना है जब तक हमारे पास सेंटर में यहाँ पर
सात फंदे नहीं छूट जाते एक एक करके, और यहाँ पर हमारे पास सलाई में गोल्डन के 9 फंदे नहीं आ जाते। तो इतना मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करते हुए हमने यहाँ पर 7 फंदों को छोड़ दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ पर एक एक करके हमने जो ब्लू के फंदे हैं उन्हें गोल्डन में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर देखिए 2 फंदे हमारे बॉर्डर के थे और यहाँ पर भी 7 फंदे हो चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ से हम सलाई को पलट लेंगे और ये जो गोल्डन के फंदे हैं उसे हम गोल्डन से ही बुन लेंगे। से देखिए अब हम गोल्डन के फंदों को गोल्डन से बुनेंगे, ये ब्लू कलर के फंदों को हम ब्लू से बुनेंगे, और ये जो हमने बीच में 2 फंदे छोड़े थे गोल्डन के, इसे भी हम इस बार इस ब्लू कलर से बुन लेंगे। तो ये जो पहला फंदा है उसे हम उतार लेंगे और इसी तरह से बुनाई को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए अब हम सलाई को इस तरह से पलट लेंगे और धागे को दोनों सलाई से आगे लेकर यहाँ पर ब्लू के फंदों को ब्लू से बुनेंगे और गोल्डन के फंदों को गोल्डन से बुन के अपनी बॉर्डर पर जाएंगे। तो मैं इतना कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मछली की पूंछ है उसकी भी हमने हाफ डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए पहले हमने यहाँ पर 14 फंदों से इसकी शुरुआत की थी, फिर हमने एक एक फंदे ये गोल्डन कलर के नीचे की तरफ करते गए और यहाँ पर एक एक फंदे हम छोड़ते गए। इस तरह से हमने यहाँ पर 7 फंदे छोड़ लिए थे और यहाँ पर हमने 7 फंदे गोल्डन के कर लिए और यहाँ पर 2 फंदे हमारे बॉर्डर के चल रहे थे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हाफ कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो हमारा पूंछ नीचे की तरफ आ रहा था अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे हमने एक एक करके फंदों को नीचे की तरफ लाए थे गोल्डन के, अब हम एक एक करके हम ऊपर की तरफ ये ब्लू कलर के फंदों को लेके जाएंगे। और जैसे हमने यहाँ पर एक एक करके फंदों को छोड़ा था तो हम एक एक करके फंदों को अब लेते जाएंगे। तो देखिए बुनाई की शुरुआत हम कैसे करेंगे। पहला फंदा है इसे हम हमेशा की तरह बस बिना बुने ही उतार लेंगे और फिर और ये जो दूसरा फंदा है यहाँ से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये जो फंदे हैं गोल्डन के इन्हें हमें बुनना है और जो लास्ट का गोल्डन वाला फंदा है उसे हमें ब्लू से बुनना है, तभी जो हमारे ये ब्लू कलर के फंदे हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। ये देखिए ये लास्ट वाला गोल्डन का फंदा है, इसे अब हम इस ब्लू कलर से बुनेंगे और फिर एक और फंदा हम यहाँ से ब्लू कलर का बुन लेंगे। एक एक करके अब हमें फंदों को लेना है कहेंगे। अब यहाँ से हम इसे पलट लेंगे और देखिए ये धागे को आगे ले लेंगे और बुनना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से बुनते हुए हम अब अपनी बॉर्डर पर जाएंगे। अब देखिए फिर से अब हम पहला फंदा है उसे बिना बुने ही उतार लेंगे और आगे ले लेंगे इस धागे को और फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे और पूरे गोल्डन के फंदों को गोल्डन से बुनेंगे और जो लास्ट वाला हमारा गोल्डन का फंदा बचेगा उसे हम फिर से ब्लू से बदल लेंगे। ये देखिए ये गोल्डन का फंदा मैं इस ब्लू से बुनूंगी। तो इस तरह से हमारे एक एक करके फंदे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये नीचे से एक फंदा हम और ले लेंगे और फिर यहीं से पलट लेंगे। देखिए यहाँ तक मैंने बुनाई कंप्लीट कर ली है। फिर से हम पहला फंदा उतार लेंगे और पूरे फंदों को यहाँ पर गोल्डन के गोल्डन से बुनेंगे और ये लास्ट वाला जो गोल्डन का फंदा है उसे हम फिर से ब्लू कलर से बुन लेंगे और फिर यहाँ पर एक फंदा और हम ऐड कर लेंगे ब्लू का।
तो इसी तरह से हमें हर बार एक फंदा ऊपर की तरफ ले जाना है ब्लू का, और यहाँ से एक एक फंदा ब्लू का हमें लेते जाना है। तो ऐसा हमें तब तक करना है जब तक हमारे ये ब्लू के 14 फंदे नहीं हो जाते और यहाँ पर 2 फंदे हमारे नहीं रह जाते गोल्डन के। तो मैं इतना कंप्लीट कर लेती हूँ बुन के, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके मैंने 6 फंदों को ऊपर बढ़ा लिया है। अब देखिए यहाँ पर 2 बॉर्डर के फंदे बचे हैं मेरे, और ये एक लास्ट वाला गोल्डन का फंदा बचा है, तो इसे भी मैं बदल लेती हूँ। तो ये पहला फंदा बिना बिना उतार लेंगे, दूसरे फंदे को बिनेंगे, और इस तीसरे फंदे को मैं ब्लू कलर से बुन लूंगी। यहाँ पर भी देखिए मैंने एक एक करके सारे 6 फंदों को ले लिया है, और यहाँ पर एक आखिरी फंदा है उसे भी मैं ले लूँगी। यहाँ पर देखिए बीच की गैपिंग को कम करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा बीच में उठा लेंगे हर बार जब भी हमें गैपिंग ज़्यादा दिखाई देगी। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14 फंदों से हमने शुरुआत की थी, फिर यहाँ पर हमारे बीच में 7 फंदे हुए, और फिर से अब हमारे पास 14 फंदे आ चुके हैं ब्लू के। और ये जो देखिए ब्लू के हमारे जो बीच में हमने गोल्डन के फंदे को ब्लू से बदल लिया था वो 2 फंदे हैं, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ से सलाई को पलट लेंगे और इन 14 फंदों को बुनकर अपनी बॉर्डर पर जाएंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी मछली का पूंछ है यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए अब इसी बुनाई हम कैसे करेंगे, ये जो पहले के 2 फंदे हैं इसे हम गोल्डन कलर से ही बुन लेंगे। पहला फंदा उतार लिया, इसे बुन लेंगे। अब ये जो ब्लू के फंदे हमारे ये पूंछ के, इन्हें हम गोल्डन से ही बुन लेंगे। पूंछ के ब्लू वाले फंदे थे उसे बुन लिया है। अब ये देखिए ये जो हमने बीच में 2 फंदे छोड़े थे गोल्डन के जिन्हें हमने ब्लू में बदला था, इन्हें भी हम गोल्डन से ही बुन लेंगे। उसके बाद ये देखिए ये जो हमारी मछली का हाफ बॉडी हमने बनाया था, अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए देखिए ये जो हमने धागा कट किया था इसी से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए ये जो रो हम बुन रहे हैं यहाँ पर बॉडी का, तो यहाँ पर देखिए हमें 12 फंदे बुनने हैं। 12 फंदों को बुन लिया है, अब यहाँ से हम सलाई को पलट लेंगे, धागे को आगे ले लेंगे, और यहाँ पर ब्लू के फंदों को ब्लू से बुनेंगे, यहाँ पर धागा क्रॉस करवाएंगे, और ये गोल्डन के फंदों को गोल्डन से बुन के हम अपनी बॉर्डर पर जाएंगे। तो मैं इतना बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ तक बुनाई कंप्लीट कर ली है, फिर से हम अपने बॉर्डर पर आ चुके हैं। अब देखिए हमारे पास गोल्डन कलर के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फंदे गोल्डन के हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 20 फंदे ब्लू के हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर 2-2 करके ब्लू कलर के फंदों को ऊपर की तरफ ले गए थे, अब उसी तरह से हमें 2-2 करके ब्लू कलर के फंदों को नीचे की तरफ लाना है। तो अब हम जब बुनाई करेंगे तो यह पहला फंदा हम उतार लेंगे। धागे को आगे ले लेंगे और ये गोल्डन के फंदों को हम गोल्डन से बुन लेंगे। ये देखिए गोल्डन के फंदे को हमने गोल्डन से बुन लिया है। अब ये जो 2 ब्लू कलर के फंदे हैं इसे भी हम गोल्डन से बुनेंगे, तभी जो हमारे फंदे हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे। ये देखिए अब इसके आगे के फंदों को हम ब्लू से बुनेंगे, तो हम टोटल 12 फंदों को बुनते हुए नीचे जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
और ये 10, दो फंदे हम और लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर गैपिंग ज़्यादा है, तो गैपिंग को कम करने के लिए हम बीच से एक फंदे को उठा लेंगे और फिर दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, जो गैपिंग है वो कम हो जाएगी। ये 11 और ये 12। अब यहाँ से हम सिलाई को पलट लेंगे और इस धागे को आगे ले लेंगे सिलाई के बीच से, और ये ब्लू के फंदों को ब्लू से बुन लेंगे। यहाँ पर धागा क्रॉस करवाएंगे और गोल्डन के फंदों को गोल्डन से बुन लेंगे। तो ये देखिए हमने पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। फिर से हम पहला फंदा उतार लेंगे और फिर ये पूरे गोल्डन के फंदे को गोल्डन से बुनेंगे, और ये जो दो ब्लू के फंदे हैं उसे भी हम गोल्डन से बदल लेंगे। और फिर जब हम यहाँ से बुनाई करेंगे तो हम ब्लू के 12 फंदों को फिर से बुनेंगे। तो ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 10 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब दो फंदे मुझे और लेने हैं, तो ये जो बीच का फंदा है गैपिंग देखिए ज़्यादा है, तो मैं एक फंदा उठा लूँगी यहाँ पर और दो फंदों को एक साथ बुनूंगी और उसके आगे वाला एक फंदा और बुनूंगी। तो इस तरह से 12 फंदे में बुनकर इस रो को कंप्लीट करूंगी। 11 और ये 12। अब यहाँ से ही हम सिलाई को पलट लेंगे, धागे को आगे ले लेंगे और फिर यहीं से हम बुनाई को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, ब्लू कलर के फंदों को ब्लू से बुनना है और जो गोल्डन कलर के फंदे हैं वहाँ पर हमें गोल्डन से बुनाई करनी है और अपने बॉर्डर पर जाना है। हमने यहाँ तक बुनाई कंप्लीट कर ली है और दो दो करते हुए हमने दो बार फंदों को नीचे की तरफ ला दिया है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो बार फंदे हैं, दो दो करके 4 फंदे हैं हमारे पास। तो ये जो हमारा फंदा है ये ब्लू का, यहाँ पर हम मछली की आँख बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है ये। उसके लिए देखिए हम कैसे बुनाई करेंगे, ये पूरे गोल्डन के फंदे को गोल्डन से बुन लेंगे और ये जो दो ब्लू के फंदे उसे भी आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे बुनाई करनी है। ये देखिए मैंने ब्लू के फंदों को बुन लिया है और यहाँ पर देखिए गैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं एक फंदा उठा लूँगी और यहाँ पर देखिए मैंने आँख के लिए एक अलग से धागा लगाया हुआ है, तो इसी धागे से मैं इसकी बुनाई करूँगी। तो ये जो उठाया हुआ फंदा है और ये इसके आगे वाला फंदा मतलब चौथा फंदा, इन दोनों फंदों को हम एक साथ उठा लेंगे और ये जो गोल्डन कलर का धागा है इससे मैं आँख बना रही हूँ, तो इससे मैं बुनूंगी। बस हमें एक ही फंदे को इस गोल्डन कलर से बुनना है, अब इसके आगे हम इस ब्लू कलर से ही बुनेंगे। तो टोटल देखिए हमने यहाँ पर 12 फंदों को ही बुना है, इसे अब रिटर्न हो जाएंगे। ब्लू कलर के धागे को ब्लू से बुनेंगे, फिर अब इसे हम पीछे कर देंगे और ये जो धागा है हमारा आँख वाला इसे हम आगे ले लेंगे, इसे बुन लेंगे। अब फिर से हम इसे पीछे कर देंगे और इस ब्लू वाले धागे को आगे ले लेंगे और यहाँ से जो भी कलर के जो भी फंदे हैं उसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो मछली की आँख वाली रो थी उसे भी बुनकर कंप्लीट कर लिया है और अब हम अपने बॉर्डर पर आ चुके हैं। देखिए हमारे पास ये सेंटर में दो ही फंदे रह गए हैं ब्लू के बुनाई में लेने के लिए। तो जब अब हम बुनाई करेंगे तो यहाँ से बुनते हुए आएंगे और ये जो दो ब्लू के फंदे उसे हम गोल्डन से बदल लेंगे और फिर यहाँ से ब्लू के फंदों को ब्लू से बुनेंगे और ये जो दो फंदे रह गए इसे भी हम अपनी बुनाई में ले लेंगे। तो टोटल हमारे पास 12 फंदे यहाँ पर रह जाएंगे। तो मैं इतना बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दो ब्लू के फंदे थे उसे भी हमने बुनाई में ले लिया और यहीं से रिटर्न हो गए और अपनी बॉर्डर पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए हमारी जो मछली है उसका डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, हमने 12 फंदों से इसकी स्टार्टिंग की थी और हमारे पास अब यहाँ पर ब्लू के 12 फंदे ही रह गए हैं। और अब हमें देखिए यहाँ पर सिर्फ ये दो ही फंदे रह गए अपनी बुनाई में लेने के लिए। तो इसकी बुनाई देखिए हम कैसे करेंगे, ये जो पहला फंदा है इसे हम उतार लेंगे और यहाँ से ये पूरे फंदों को हम इस गोल्डन कलर से बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से हम सेंटर की तरफ जाएंगे, सेंटर से बॉर्डर की तरफ जाएंगे, फिर हम बॉर्डर से सेंटर की तरफ जाएंगे और सेंटर से बॉर्डर की तरफ जाएंगे। इस तरह से हमें 4 सिलाई कंप्लीट करनी है। यहाँ पर मैंने 4 सिलाइयाँ निकाल ली है और फिर से हम अपने बॉर्डर पर आ चुके हैं। अब हमारे पास सिलाई में फिर से गोल्डन के 40 फंदे हैं, फिर हम 26 फंदे गोल्डन से बुनेंगे, 12 फंदों को हम मछली के कलर से बुनेंगे और 2 फंदे गोल्डन के सेंटर में छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम अपनी 5वीं मछली की शुरुआत करेंगे और इसी तरह से हम उसे कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने हर वो पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है जहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। वीडियो टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।